कला का कुंभ। अभी अवंतिका ब्रह्मास्त्र से बातचीत चल रही थी और बातचीत में मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ उल्लेख कर रहा था कि लिट्योक जैसे आयोजनों ने एक सबसे बड़ा मिथक तोड़ा है दरअसल साहित्य कला के क्षेत्र में। और वो मिथक ये कि एक लंबे समय से हम सब लोग देख रहे थे कि लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर लगातार भारत की अस्मिता को कोसते रहना, भारत की संस्कृति को गालियां देना, भारत की परंपराओं को ढकोसला बताना और इस सबको प्रगतिशीलता का जामा पहनाना, ये उपक्रम लगातार चल रहे थे। और इसलिए साहित्य अनुरागी सामान्य जनों को ऐसा लगने लगा था कि कहीं लिटरेचर फेस्टिवल में यही सब करना अनिवार्य तो नहीं रहता। इन मिथकों को तोड़ने का काम, विशुद्ध लोक की आवाज को साहित्य जगत तक पहुंचाना और साहित्य के स्वर को जन सामान्य लोक जगत तक पहुंचाना, इन कामों को करने के लिए लिटचोक की ये जो टोली सक्रिय हुई। और हम लोगों ने देखा विगत कुछ वर्षों में जिस ढंग से हम सब लोगों ने जितना स्नेह दुलार प्यार दिया है इस पूरे साहित्य उत्सव को, ये अपने आप में एक प्रकार का मानक बना है, माइलस्टोन बना है। आज के सत्र में यूं तो सूचना के आधार पर हम चार लोग रहने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में से दो वक्ता रह नहीं पाए हैं। लेकिन हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय अगम जैन जी आज हमारे साथ हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अगम जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पुलिस सेवा में रहते हुए कई बड़े दायित्वों का निर्वाह वो लगातार करते रहे। और जैसा कि अभी गौरव साक्षी बता रहे थे उनके परिचय में कि उनकी एक पुस्तक अभी लगातार विशेष करके युवा पीढ़ी बहुत पसंद कर रही है, उसको हम अपने मालवांचल के लिए भी गौरव का विषय मानते हैं। अगम जी बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी के साथ भी उनकी समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते रहे और अब फिर से फील्ड में आए हैं और अपने ही का जो भिलांचल है झाबुआ वहां पर इस समय आप संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज की बातचीत के दो विषय हो सकते हैं, सामान्यतः एक विषय चूंकि राघवेंद्र सिंह जी भी साथ थे, सीनियर आईएएस थे, आ नहीं पाए, और अगम जी दोनों ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इन दिनों हम सब लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए लगातार लेखन धर्म में प्रवृत्त रचनाकारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं अपनी बात जब कहूंगा तब उसमें कुछ नामों का उल्लेख करूंगा, आदरणीय अगम जी जब बात करेंगे तब वे अपनी बातचीत में उल्लेख करेंगे ही, लेकिन हम सब लोगों को ये अगम जी के माध्यम से जरूर जानना चाहिए कि वास्तव में इतनी व्यस्त दिनचर्या, इस प्रकार का काम, विशेष करके पुलिस सेवा, हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार का दिन भर का उनका जो दिनचर्या का समय रहता होगा वो लगातार समाज के उन लोगों से सामना होता होगा जिन लोगों से सामान्यतः हम सब लोग मिलना भी पसंद न करें, लेकिन उस सब के बीच में अपनी संवेदनशीलता को जागृत रखना, अपनी रचनात्मकता को बनाए रखना, लिखते रहना और ऐसा लिखना जो सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत हो। तो मुझे लगता है कि बातचीत हम प्रारंभ करते हैं और मुझे पहले यहां आने के पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोगों से बातचीत करने के लिए लिटचोक परिवार का कोई व्यक्ति रहेगा, लेकिन मैं चूंकि लिटचोक परिवार का हूं इसलिए मैंने एक दृष्टता करते हुए स्वयं ही बातचीत प्रारंभ कर ली है और मैं अब आपकी ओर उद्धत होता हूं। मुझे लगता है सबसे पहले इसी बात से हम लोग प्रारंभ करें कि एक तो लेखन प्रारंभ कहां से हुआ, लिखना चाहिए। यूं तो सामान्यतः इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने में क्रिएटिव राइटिंग का बड़ा महत्व है। आज संख्या कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आज एमपीपीएससी की परीक्षा हो रही है, अन्यथा युवाओं को अगम जी के वक्तव्य का बड़ा लाभ मिलता। लेकिन जो है युवा है बड़े हैं सब लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या परीक्षा की तैयारी के कारण से लेखन की रुचि जागृत हुई या लेखन की रुचि थी इसलिए परीक्षा पास करने में सहायता मिली? सबसे पहले तो लिटचोक का और आदरणीय विकास दवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि अब हम दोनों ही मंच पर हैं और आपके भी बहुत समृद्ध अनुभव हैं तो निश्चित ही हम आपसे भी बहुत डिटेल में आपके अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे। आपने जैसे यूपीएससी परीक्षा के दौरान तैयारी का क्या रोल रहता है उसके बारे में बात की। जब हम लोग तैयारी करते हैं या यहाँ भी जो बैठे लोग तैयारी कर रहे हैं, अमूमन आगे जाकर के हम लिखेंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई सोचता नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगल का पीरियड होता है उस समय ये लगता है कि कैसे भी करके कहीं ना कहीं सेट हो जाएं ताकि घर वाले शादी की बात आगे बढ़ा सकें, नहीं तो उस लायक भी नहीं बचेंगे।
तो इसलिए जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हर चीज का फॉर्म भी भरते हैं कई लोग, तो कुछ लोग एकदम डेडिकेटेड होते हैं। मैंने जैसे बहुत जगह फॉर्म भरा कि भाई कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो जाए, और फिर उसके बाद मैं जब सेलेक्ट हो गए तब अचानक से मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो आम जिंदगी में हम नहीं अनुभव कर पाते हैं और मुझे उनको शायद लिख लेना चाहिए। उसकी शुरुआत हुई थी मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू से। मैं सीधे प्री पास करता हुआ, मेंस पास करता हुआ यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचा, और इंटरव्यू में, अब ये भी हिंदी भाषा के लिए एक समझने की बात है कि यूपीएससी में दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि मैं बोलने में थोड़ा हिंदी में अच्छा हूं तो मैंने हिंदी ऑप्शन भरा, और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो शायद बोर्ड का क्या अनुभव रहा, उन्होंने मेरे से सारे सवाल इंग्लिश में पूछे और सारे सवाल उस फील्ड से पूछे जिसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। और जब मैं बाहर निकल करके आया तो मैं बहुत दुखी था कि मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार हुआ है। और जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे लगा कि शायद सबसे पहला काम मुझे ये करना चाहिए कि मैं इंटरव्यू में क्या क्या हुआ उस चीज को लिख लूं, ताकि आने वाले समय में लोग वो गलती ना करें। मैं गया एक आइसक्रीम की दुकान पर, आइसक्रीम लेकर के पहले अपना दिमाग ठंडा किया और वहीं बैठ करके मैंने सब कुछ लिखना शुरू किया। और मुझे लगता है कि लिखने की जो शुरुआत है वो उस आइसक्रीम की दुकान से समझा जा सकता है कि वहां से मैंने लिखना प्रारंभ किया। क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए तालियां बता रही है श्रोता दीर्घ की मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा बहुत संक्षिप्त में 30 सेकंड में बताता हूँ। देवपुत्र में मैं विगत 30 वर्षों से संपादक हूँ। मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं और सहयोगी मेरे हैं गोपाल जी माहेश्वरी, कार्यकारी संपादक। हम दोनों साइकिल छाप रहे शुरू से, संघ का काम करते थे, इसलिए बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही हम लोगों की। तो वो जब साइकिल से आते थे तो वो बताते थे कि मेरा जो मडगार्ड है चेन का के ऊपर जो कवर होता था, चेन कवर, उस पर पेडल एक नियत अंतराल के साथ टकराता है और उसमें खट की आवाज होती है। अब वो तिलक नगर से देवपुत्र तक जब आते थे तो छंद का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, और प्रकांड विद्वान है, संस्कृत के भी बहुत अच्छे ज्ञाता है। तो वो कहते थे कि मैं जब घर से चलता था तो एक पेडल पूरा साइकिल करता था और जैसे ही खट की आवाज होती थी मेरी पंक्ति पूरी होती थी। और आप कल्पना करिए कि लिखने वालों के लिए, कई बार हम लोग देखते हैं ना बड़े बड़े साहित्यकार चोचले बताते हैं, सर मैं पार्कर के पेन से कम पे तो लिख ही नहीं पाता। ऐसा नहीं होता है, आइसक्रीम की दुकान पर बैठ करके भी लिखना प्रारंभ हो सकता है, ये नई पीढ़ी के बच्चों को जानना चाहिए। आपकी बात, ये बात पूरी हो गई थी। मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाह रहा था दरअसल कि आपने बताया वहां से लेखन प्रारंभ हुआ। एक और आपके साथ के आईपीएस अधिकारी है मलय जैन साहब, मैं सौभाग्य से उनसे भी मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। उनके पिताजी देवेंद्र जी जैन स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। क्या आपके परिवार में ऐसा रहा कि रक्त संस्कार के रूप में साहित्य मिला हो? ऐसा तो नहीं था कि आपने ही लिखना शुरू किया परिवार में? नहीं, साहित्य मेरे परिवार में है। मेरे पिताजी जो है वो जैन दर्शन के अच्छे विद्वान हैं और जैन दर्शन संबंधी वो कई किताबें लिख चुके हैं, लगभग अभी तक 20 के आसपास पुस्तकें वो लिख चुके हैं। और मेरी जो माताजी हैं वो स्वयं डॉक्टरेट हैं, तो उन्होंने भी पीएचडी करते वक्त जो उनकी थीसिस थी उसको एज अ बुक छपवाया था और वो भी अच्छी प्रसिद्ध हुई थी, लोगों ने उसको बहुत पढ़ा। तो साहित्य के संस्कार कह सकते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से घर में थे, और जब लोग लिखते थे तो मुझे लगता था पता नहीं कैसे लिख लेते हैं, लेकिन अब हमने लिखना शुरू किया तो लगता है कि हाँ, शायद सोचें समझें और कुछ आसपास का अनुभव करते रहें तो लिखने में आ सकता है। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत व्यस्त रहते हैं तो कैसे लिख पाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम जिस विभाग में है वहां पर ऑलरेडी इतनी सारी कहानियां आसपास चल रही होती हैं कि आपके पास में कंटेंट बहुत हो जाता है। और कई बार तो हम लोग खुद घर में बैठे बैठे बहुत हंसते हैं कई चीजों को लेकर के। एक बार जैसे मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार एक व्यक्ति को अरेस्ट करना था, बहुत सेंसिटिव मैटर था और संभवतः बहुत गंभीर अपराध था जिसमें अरेस्ट करना था, और हम पूरे दिन भर से लगे हुए थे। तो रात में हमारी टीम का फोन आया कि सर एक व्यक्ति को हमने गलती से पकड़ लिया है। तो दिन भर से वैसे भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और उसने बोला कि सर हमने एक व्यक्ति को गलती से पकड़ लिया है। तो मैं बोला यार तुम कैसे बेवकूफ हो, जब तुम्हें पता है, खुद पता है कि तुमने गलती से पकड़ा है तो छोड़ दो उसे, जो सही आदमी उसको पकड़ना। बोले नहीं सर गलती से पकड़ लिया है। मैंने कहा भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ, गलती से पकड़ लिया है तो छोड़ दो। बोले सर गलती गांव का नाम है, उस गांव से हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है भाई, बधाई की बात है, अच्छा हुआ अपना काम पूरा हो गया।
तो इस तरह से ऐसे ही जब हम कोविड पीरियड में जब मैं जबलपुर में पोस्टेड था, तो क्योंकि कोरोना का समय था और एक उसी समय बहुत गंभीर अपराधी हमारी पकड़ में आया, तो हमारे टीम मेंबर का फोन आया कि सर इसको पकड़ लिया है हमने, लेकिन सर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्योंकि कोरोना का पीरियड है तो अभी छोड़ दो, बाद में पकड़ लेना एक साल बाद, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपराधी तो अपराधी, उसको पकड़ करके हमें अंदर भेजना ही है। तो इस प्रकार से आसपास की दुनिया में हमारी इतनी कहानियां चलती रहती हैं कि यदि उस अनुभव को उतारा जाए तो एक अच्छा लेखन भी हो सकता है और एक शिक्षापूर्ण और मॉरल को लिए भी एक लेखन हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही। अपने श्रोता दीर्घा में बैठे हुए सभी साहित्य अनुरागी बंधु भगिनी को ये ध्यान में आ रहा होगा कि अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबका लेखन वास्तव में अपने आसपास के पात्रों से चुराया हुआ है। हम लोग कई बार प्लॉट ढूंढते रहते हैं, कई बार हमको लगता है कि लंबा समय सोचने के लिए लेना पड़ता है, लेकिन एक अनुभवी लेखक और प्रशासनिक अधिकारी वो आपको बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा केवल पुलिस सेवा में रह करके होता है, ऐसा भी नहीं है केवल अगम जी के साथ ऐसा होगा। आपको लगेगा हमारे आसपास कौन से पात्र हैं? अगर बहने बैठी हैं तो ये बहने यदि अपने यहाँ पर झाड़ू पोछा करने आने वाली जो बहन है या जो बर्तन मांजने के लिए आती है, अगर आप उसके सामान्यतः अभ्यास होता है बहनों को कि आपस में बातचीत शेयर करती है, अगर आप उसके निजी जीवन के अनुभव सुने तो आपको उसके हर दूसरे तीसरे वाक्य पर एक लघु कथा तैयार मिलेगी, आपको उसके हर अनुभव के साथ एक उपन्यास दिखाई देगा, आपको उसके हर प्रताड़ना और उसमें हिम्मत के साथ उससे बाहर आना और उसका स्वावलंबी बनना उसमें कहानी तैयार प्रतीत होगी। तो ये जो अपने आसपास के पात्रों पर लेखन करना, ये मुझे लगता है कि साहित्यकार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। एक लंबे समय तक साहित्य जगत को इस बात के लिए कोसा जाता रहा है कि सब कल्पना के घोड़ों को सवार रहते हैं, वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस प्रकार का लेखन जब होता है तो निश्चित तौर पर इस आरोपों से साहित्य भी बाहर निकलता है। मैं प्रश्न करते करते बीच बीच में अपनी बात भी कहता जाऊंगा। एक मेरा भी प्रश्न है आपके लिए कि क्योंकि हम जब नए लेखक थे, यहाँ भी हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि नया लेखन करें और आप साहित्य अकादमी के निदेशक भी हैं, तो नए लेखकों को मार्केट तक आने के लिए या अपनी पुस्तक पब्लिश कराने के लिए या वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं उसका मार्गदर्शन किस प्रकार से मिले? क्योंकि हम इस बात से बहुत जूझे थे कि हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, ये किससे पता करें और कैसे पुस्तक को सबके सामने लेकर के आए? ये आपने बिल्कुल सच कहा अगम जी कि वास्तव में जब लेखन प्रारंभ करते हैं तो इसमें तीन चार छोटी छोटी टिप्स कह सकते हैं इसको, है ना। मैं चूंकि बाल साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो जब बच्चों से बात करता हूँ तो उनको कहता हूँ जैसे शक्तिमान आखिरी में कहता है ना एपिसोड के अंत में कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वैसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिस विधा में हम लेखन कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस विधा के साहित्य को प्रचुर मात्रा में पढ़ना प्रारंभ करिए। आप लघु कथा लिख रहे हैं, खूब लघु कथाएं पढ़िए, कविता लिख रहे हैं, खूब सारी कविताएं पढ़िए, और कविताओं में भी बायस्ड होकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप अगर छंद मुक्त लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम छंदबद्ध नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे सूर रसखान मीरा कबीर से हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं, दोहा सोठा छंद सब पढ़िए कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारी मास्टरी जिस प्रकार के लेखन में उसमें लेखन करें, तो उस विधा को पर्याप्त मात्रा में पढ़ना। आप जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो दो काम होते हैं, एक तो उस विधा में लिखने वाले जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनसे आप सुपरिचित हो जाते हैं। प्रयास ये करिए कि अपने नगर में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में उस विधा को लिखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार कौन कौन है उनसे मिलने का प्रयास करना। ये गुरु शिष्य परंपरा दरअसल हिंदी साहित्य में, मैं अनेक मंचों से इस बात का उल्लेख करता हूँ कि लगभग समाप्त प्राय होती जा रही है। उर्दू साहित्य में अभी भी उस्तादी की परंपरा है, वहां पर आपने अगर एक शेर भी रचा है तो उस शेर को लेकर के उस्ताद के पास जाते हैं, और ऐसा लिखने वाले लोगों ने मुझे बताया, मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, कि उठाकर जूता मार देते हैं सिर पे कि क्यों रहते हैं ये एक मात्रा इसमें कम आई तेरे को समझ में नहीं आता, और गंदी गंदी गालियां तक दे देते हैं, लेकिन पैर दबा करके। और मुनव्वर राणा जी ने कहा ही है ना कि दावे हैं पैर बुजुर्गों के तब ये हुनर आया वगैरह कुछ लिखा है उन्होंने ऐसा, तो ये परंपरा वहां चल रही है, हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी में हम लोग इस बात में संकोच अनुभव करते हैं कई बार कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएंगे तो हमारे वरिष्ठ लोग कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ये जो संकेत किए कि वहां पर भी ऐसा होता है, अगर ऐसा कुछ होता तो नहीं है लेकिन हो भी जाए तो गुरु बना करके उनसे प्रसाद रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन अपनी रचनाओं को ठीक करवाना, पहली बात तो ये रचना कर्म के संदर्भ में। दूसरा, एक ही विधा की जब बहुत सारी रचना इकट्ठी हो जाए तो हम लोग सौभाग्य से मध्य प्रदेश में है, साहित्य अकादमी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन साहित्य अकादमी में एक प्रथम कृति अनुदान योजना होती है,
आपकी पहली पुस्तक जीवन की अगर आती है तो उसके लिए साहित्य अकादमी अनुदान देती है, और पिछले 3 वर्षों में लगभग 260 किताबें हम लोगों ने छापी है नवोदित रचनाकारों की। तो जिनकी कोई पुस्तक नहीं आई है वो अपनी पांडुलिपि तैयार करें, विज्ञप्ति निकलती है प्रस्तुत करें, ज्यूरी उसमें से सिलेक्शन करती है, वो प्रक्रिया है, लेकिन पहली पुस्तक छप सकती है। दूसरा ये जरूर करिए कि लेखन कर्म करने में लगते समय, आदरणीय अगम जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन्होंने जब यूपीएससी की तैयारी की होगी तो बार बार ये बताया गया होगा, एमपीपीएससी में या सब में बताते हैं कि सिलेक्शन की श्योरिटी के साथ पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई को इंजॉय करो। मेरा ये निवेदन साहित्य सृजन में भी है, अगर आप लिखते हैं तो लिखने में 2-3, एक तो छपास के रोग से बचिए। आप ये मान करके मत लिखिए कि मेरी ये पत्र पत्रिका में छपेगी, मेरी बहुत सारी रचनाएं हो गई तो किताब छपेगी। छपने से मुक्त होकर के अपने स्वयं के आनंद के लिए, अगर बाबा तुलसीदास स्वांता सुखाय रघुनाथा कहकर के अगर रामचरितमानस रच सकते हैं तो स्वांता सुखाय हमको भी लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो ये दो बातें छोटी छोटी सी मुझे कहना थी, और वो भी आपने चूंकि प्रश्न कर दिया था। आपकी एक पुस्तक बहुत पढ़ी जाती है, गौरव ने अभी उसका उल्लेख भी किया, कभी स्कूल कभी कॉलेज, कभी गांव कभी कॉलेज, कभी गांव कभी कॉलेज। सामान्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बाद जब कॉलेज के जीवन में व्यक्ति आता है, स्वाभाविक रूप से महानगर में आता है, तो एक अलग प्रकार के वातावरण में वो अपने आप को पाता है। अगम जी के भी अनुभव संभवतः उसी तरह के रहे होंगे। मुझे याद है कि एक बहुत अच्छे आईपीएस हैं मनोज शर्मा जी, उनके जीवन पर अनुराग पाठक ने 12th फेल एक उपन्यास लिखा था, और उस पर अभी एक फिल्म आई विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई है। तो कहने का तात्पर्य एक आईपीएस अधिकारी के निजी अनुभव एक फिल्म मेकिंग तक पहुंच सकते हैं उपन्यास के बाद। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस पुस्तक की प्रेरणा बेसिकली कहां से मिली थी और उसका मूल विषय वस्तु क्या है, ये श्रोताओं को बताएंगे तो इनकी भी जिज्ञासा बनेगी थोड़ी इस पुस्तक को लेकर। ये जो पुस्तक है इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी गांव कभी कॉलेज इसलिए नाम रखा है कि एक गांव की पृष्ठभूमि है और वहां पर आकर के एक प्राइवेट कॉलेज नया नया स्थापित होता है, और प्राइवेट कॉलेज को जैसे नए नए स्थापित होने में समय लगता है या सब तिकड़म बिठानी पड़ती है, वो सारी वहां पर भी बिठाई जाती है। वहां का डीन गांव के प्रधान को पकड़ता है और बोलता है कि तुम 5,000 रुपए एक एडमिशन के मेरे से ले लेना और एडमिशन कराओ यहाँ पर। तो इस प्रकार से शिक्षा के अंदर किस प्रकार से धन एंट्री हो गया, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। और फिर वहां पर 3-4 मित्र जाते हैं जिनका कहीं और एडमिशन नहीं हो पाया, और उनकी पूरी कॉलेज लाइफ कैसे चलती है गांव में रहते हुए, क्योंकि वो शाम को गांव में आ जाते हैं अपने कमरे पे रहने और दिन भर रहते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज की एक नई दुनिया है जिसको आधुनिक तौर तरीके में हम देख सकते हैं, एसी चल रहा है, और गांव में आते हैं तो वही धूल धक्कड़ और आंधी तूफान में के बीच में जहां पर लाइट भी नहीं आ रही है वहां पर रह रहे हैं, और उससे लड़ते जूझते मजाक मस्ती करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, और आगे जाकर के अल्टीमेटली कैसे सारे मित्र अपने अपने जो भी उनका मंजिल रहता है वहां तक पहुंचते हैं, ये पूरी कहानी की रूपरेखा है। कहानी के किरदार जो है वो रियल नहीं है, वो सारे काल्पनिक के बनाए हुए हैं, लेकिन उसकी मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली इसके बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा उसकी भी स्थिति ऐसी थी। नया खुला था, शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में था, और हम भी कॉलेज जाते थे और फिर वापस लौट करके 1.5 किलोमीटर दूर जो गांव में कमरा था वहां आकर के रहते थे। तो इस प्रकार से सारे किरदार लगभग मेरे कहीं ना कहीं आसपास देखे हुए थे, और उन किरदारों को देखते हुए ही कैसे आयरनी और कैसे उसमें व्यंग का रूप पुट दे करके उस कहानी को आगे बढ़ाया जाए, ये मुझे वहां से प्रेरणा मिली। तो इस प्रकार से जो कभी गांव कभी कॉलेज पुस्तक है हिंदी युग से प्रकाशित हुई है उसकी पूरी स्टोरी है, और थैंकफुली आप सभी लोगों का इतना प्रेम मिला है, आप सबको पसंद आई है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हम सबको ध्यान में आता होगा अगम जी क्योंकि आईपीएस, इसलिए उसी दिशा में बात ना चली जाए। आईएएस अधिकारियों में भी, प्रशासनिक अधिकारियों में इन दिनों हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लेखन की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, और न केवल दिखाई देती है बहुत उच्च कोटि का लेखन भी है। हम सबको पता होगा इस बार हालांकि राजीव शर्मा जी को आप सब लोगों ने एक अलग संदर्भ में समाचार पत्रों में देखा होगा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, शहडोल में संभागायुक्त थे, उससे पहले हस्तकरघा में भी वे आयुक्त रहे थे, मेरे अच्छे पुराने मित्र हैं। और इस बार क्योंकि वीआरएस लिया था तो लोगों को ये कयास लग रहे थे कि कहीं राजनीति में प्रवेश करेंगे, लेकिन राजीव शर्मा जी बहुत अच्छे लेखक हैं। हम में से कुछ लोगों ने अगर विद्रोही सन्यासी उपन्यास न पढ़ा हो तो जरूर पढ़िए उनका।
आद्य गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर केंद्रित इतना सुंदर उपन्यास है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में लेखन इस प्रकार का भी हो सकता है। मैं इस सूचना के साथ दरअसल ये बताना चाह रहा हूँ श्रोता दीर्घा को कि प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में एक सामान्य भ्रांति हम सब लोगों की ये रहती है, हम चूंकि दूसरे छोर से देखते हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों को, हमको कई बार ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी संविधान में लिखे हुए एक वाक्य जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हमारा ये राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए धर्म सापेक्ष नहीं होना, प्रशासनिक प्रक्रिया में धर्म सापेक्ष नहीं होना ये ठीक बात हो सकती है, धर्म निरपेक्ष रहना अनिवार्यता हो सकती है, लेकिन जिस संस्कृति को, जिस विचार को, जिस परंपरा को, हमारे पुरखों की जिस ऋषि परंपरा को हम जी रहे हैं अपने निजी जीवन में, उससे हमारी सेवा के कारण से हम पथ्य परहेज नहीं कर सकते। राजीव शर्मा जी ने आदि गुरु शंकराचार्य पर जब लिखा तो क्या उनके समक्ष ये संकट रहा होगा, क्या उन्होंने ऐसा सोचा होगा क्या कि लोग कहेंगे कि अरे तुम हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और हमारे कई प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनके तो दो तीन उपन्यास है दोनों इसी प्रकार के हैं जो एकदम हमारी ऋषि परंपरा के पात्रों पर केंद्रित है। तो कहने का तात्पर्य कई बार हम लोगों को ये लगता है ना कि ये लिखने में कहीं कंजूसी कर जाते होंगे, बायपास करते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहित्यकार के रूप में प्रशासनिक अधिकारी जो मन में आता है, जैसा आम साहित्यकार के मन में आता है, वैसा वे बिंदास लिखते हैं, इस बात का प्रतीक ये है। दूसरा एक और मुझे ध्यान में आता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चूंकि स्वयं हूं, इसलिए मुझे पता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने अपनी लेखनी के कारण से अपना एक अलग स्थान बनाया। ऐसा एक बड़ा उदाहरण मैं रमेश चंद्र शर्मा जी का लेता हूँ। बहुत सीनियर आईएएस थे और दैनिक ट्रिब्यून के संपादक स्तर पर पहुंचे। दैनिक ट्रिब्यून का संपादक होना यानी अपने आप में बड़ी बात होती थी। तो कहने का तात्पर्य इस लेखनी के कारण से कई बार आप देखेंगे कि प्रशासनिक सेवा के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना और उसमें भी उदात्त अवस्था तक पहुंचना, ये अपने आप एक बड़ी बात है। तो अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ऐसा संकट कभी आपको लगता है क्या कि भाई सेवा में है और सेवा में रहते हुए हम जो लिख रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो एक शासकीय सेवक के लिए संभवतः बायपास करना जरूरी हो लेकिन रचनाकार के लिए अनिवार्यता होती है कि नहीं इसको इस कथानक में शामिल करना ही है? ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, कभी कभी होता है और वो मुझे लगता है ठीक भी है क्योंकि आप तो एक तरह से दो दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और हर विषय में नहीं होता है। सिर्फ मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से यदि आप कुछ लिख रहे हैं तो उससे हम बचना चाहते हैं या बचते हैं क्योंकि आप एक तरह से शासन के सिस्टम के अंग हैं और आप एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, आप स्वयं चीजों को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और उसके बाद राजनीतिक रूप से कोई भी कमेंट करना पॉजिटिव नेगेटिव ओपनली वो थोड़ा सा उससे बचा जाता है। हाँ ये बात जरूर है कोई भी सुझाव है समस्या है तो उसको हम अपने चैनल से ऊपर तक जहां तक भी पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं लेकिन लिखने में उस चीज का परहेज होता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दूसरी चीज ये कि आपके कई अनुभव होते हैं जिसमें आपके साथ वाले लोगों का भी साथ वाले लोग भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आपका एक और बड्डी होगा शायद उसने भी उस अपराध को निकालने में उतनी ही भूमिका निभाई होगी। अब आपको उसकी भूमिका संदेहास्पद लग रही है, सही लग रही है, कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, तो वो चीजों के बारे में भी हम सार्वजनिक रूप से लिखने से बचते हैं क्योंकि अभी वो अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंचा है या दूसरे व्यक्ति का हमने पूरा एक्सपीरियंस उसमें नहीं लिया है, उसका क्या मोटिव है वो नहीं लिया है, तो उन चीजों से बचते हैं। उसके अलावा धार्मिक रूप से लिखने में कोई कहीं परेशानी नहीं है। जिसको आप मानते हैं, जिस आस्था का आप अनुसरण करते हैं उसके बारे में लिखें तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हर जीव से, हर व्यक्ति से, हर महापुरुष से कुछ ना कुछ सीखने को है तो उनके बारे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई सामाजिक कुरीति यदि है तो उसके बारे में लिखने में भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम झाबुआ में हैं और झाबुआ जो है आदिवासी क्षेत्र माना जाता है इस हद तक कि वहां पर लगभग 93-94% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी समाज से आती है और जब तक हम वहां नहीं गए थे तब तक वहां के बारे में थोड़ी सी हमारे दिमाग में ही मिसकंसेप्शन था कि जाएंगे तो कहीं लूट ना हो जाए, रात में अकेले चले जाएंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई तीर ना चला दे या कोई ऐसा ना कर दे। लेकिन जब वहां गए तो पता चला कि ऐसा नहीं है, पहले कभी रहा होगा और कुछ लोगों ने किया होगा, पूरा आदिवासी समाज ऐसा नहीं है बल्कि इससे उलट है। बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं
बहुत ही अपना दिल खोल करके रखने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, तो ऐसा देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनमें ओवर द ईयर कुछ कुछ सामाजिक कुरीति भी आ गई है जिसको वो खुद भी स्वीकार करते हैं। अब उसके बारे में यदि हम कहें, उनसे बात करें, उसके बारे में लिखें, तो वो उसको बुरा नहीं समझते हैं, बल्कि उसको वो पॉजिटिव वे में ही लेते हैं और हमारे साथ में आकर के मिलके कोशिश करते हैं कि हम उस चीज को अच्छा करें। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सामाजिक कुरीति का यदि जिक्र करूं कि वहां पर दहेज प्रथा जो चलती है वो उलट तरीके से है। मतलब आमतौर पर लड़की के परिवार को लड़के को दहेज देना होता है, वहां पर ऐसा है कि लड़के के परिवार को लड़की को देना होता है दहेज। तो वो उस पैसे को लेकर के लड़की के परिवार वाले लड़की से बिना पूछे कई बार शादी कर देते हैं। उदाहरण के लिए ये लड़के वाले बोल रहे हैं कि हम 5 लाख रुपया देंगे, तो लड़की से बिना पूछे शादी कर लेंगे कि 5 लाख रुपया दे रहा है भाई, अपना काम चलेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ कुरीतियां हैं जिसको वहां के लोग, वहां के सामाजिक कार्यकर्ता और हम मिलकर के यदि लिखते हैं, बात करते हैं, तो वो उसको सकारात्मक रूप से ही देखते हैं और इसलिए प्रशासनिक अधिकारी को लिखने में बहुत ज्यादा कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगम जी, मैं अभी पिछले सप्ताह छत्तीसगढ़ के प्रवास में था। सुबह के से मुझे अभी पिछले 2-3 वर्षों में लगभग 50 से अधिक आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पुस्तकों के विमोचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संयोग से कमिश्नर थे अंबिकापुर में सरगुजा संभाग में राजेश पांडे जी, बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने डायरी लेखन की विधा को फिर से पुनर्जीवित किया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन दिनों डायरी लेखन बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो डायरी लेखन की विधा की एक अच्छी पुस्तक उनकी आई थी अधूरी मुरादों के पन्ने, उसके विमोचन के लिए किया गया था। तो मैंने उनको आग्रह किया था कि संजय अलंग जी को भी अगर आप बुला सके, वो उनके क्योंकि साथ के हैं, आप तो खूब अच्छे से परिचित होंगे। तो संजय अलंग जी दरअसल छत्तीसगढ़ के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने लोक साहित्य और लोक संस्कृति के लिए बहुत काम किया और इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान है। मैं दरअसल अगला प्रश्न वही करने जा रहा था और संयोग से आपने झाबुआ का उल्लेख कर दिया तो भूमिका भी बन गई उस प्रश्न की कि आप क्योंकि झाबुआ में हैं अभी और प्रशासन के जिस स्तर पर आप हैं, तो वहां की लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कलाएं, इनके संरक्षण की दृष्टि से या उनको एक एकेडमिक पहचान दिलाने की दृष्टि से, जैसे इन दिनों हम सब लोगों को ध्यान होगा कि वो जो भील समाज गुड्डे गुड़िया बनाता है, वो गुड्डे गुड़िया बना करके इन दिनों एक्सपोर्ट हो रहे हैं पूरे विश्व में, झाबुआ से अलीराजपुर से तैयार होकर के जा रहे हैं, हमारे अपने ड्राइंग रूम में वो सजाए जाते हैं। तो इस प्रकार की लोक साहित्य, लोक कला, इन चीजों को भी, मैं इस बात को इसलिए भी अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 6 बोलियों के सम्मान है साहित्य अकादमी में, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, 4 तो आंचलिक बोलियां हैं और 2 जनजातीय बोलियां हैं, भीली और गोंडी। अब भीली के पुस्तकें 50% सामान्यतः प्राप्त होती, जब भी विज्ञप्ति निकलती है तो मान लो 2 वर्ष का हमने विज्ञापन निकाला तो 1 साल आई ही नहीं एक भी, और गोंडी तो पिछले 4-5 वर्षों से एक भी किताब नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जैसे साहित्यिक अभिरुचि वाले प्रशासनिक अधिकारी जब इस तरह के जनजातीय अंचल में रहते हैं तो वहां के कुछ पढ़े लिखे युवा बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप कम से कम अपनी जो आंचलिक बोली, अपनी जनजाति बोली, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखना प्रारंभ करें, जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, कविता, कहानी, लघु कथा, जो लिखना हो लिखे। क्योंकि अभी जो एनईपी 2020 आया है, नई शिक्षा नीति, इसमें इन आंचलिक और जनजाति बोलियों के लिए पर्याप्त स्थान है। आने वाले समय में इक्का दुक्का किताबें भी मिलेगी लेकिन उसको पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया जाएगा क्योंकि कम मिल रही है इस तरह की बोलियों में पुस्तकें, तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। तो एक तो ये आग्रह मैं जरूर आपसे करना चाहता हूँ और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोक साहित्य से जुड़े हुए बच्चे यदि आपको प्राप्त होते हैं तो आप मुझे भी आदेश करेंगे तो मैं साहित्य अकादमी के माध्यम से कोई कार्यशाला करना होगी तो वहां पर करने की व्यवस्था हम बना सकते हैं। तो इस दिशा में एक छोटा सा प्रसंग मुझे दरअसल याद आ गया क्योंकि आयोजकों ने कहा है कि मुझे भी अपनी बात कहना है, ये तो प्रश्नकर्ता की भूमिका में मैं स्वयं हाजिर हो गया लेकिन हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी अगम जी ने जैसा कहा, आमतौर पर आपको ध्यान आता होगा जनजातियों पर केंद्रित जितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, उसमें जनजातियों को इसी प्रकार का अपराध की तरफ प्रवृत्त समाज बताया जाता है। अगम जी ने एक बहुत गंभीर और संवेदनशील बात कही है, पुलिस का एक अधिकारी इतनी संवेदना से कह रहा है तो मैं चाहूंगा कि इन विषयों पर, मैंने एक कहानी लिखी है गोदना, गोदना वास्तव में मूलतः बड़ों की कहानी है, बच्चों की नहीं है और उसमें नायक और नायिका दोनों जनजाति के, अलीराजपुर के मूलतः है वो,
और जो जिसको आप आधुनिक पीढ़ी के लोग टैटू कहते हैं वो लोग गुदना बनवाते हैं दाढ़ी पर भी गाल पर भी हाथ पर भी। तो उस गुदना को लेकर के एक मैंने प्रेम कथा रची थी, वो मैंने लिखी थी। उसको लिखते समय मैं उस समय लगभग 4-5 दिन झाबुआ में रहा था। वहां पर एक हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक बड़ा मार्मिक प्रसंग सुनाया। अगम जी के रेफरेंस में मैं वो सुना रहा हूँ। उन्होंने जो कहा ना उनकी संवेदना की बात, वो ऐसा कि शहरी क्षेत्र के हमारे इंदौर के 4-5 युवा कॉलेज विद्यार्थियों को हमने जनजातीय अध्ययन के लिए एक संस्था के माध्यम से वहां पर भेजा कि जनजातीय समाज कैसा है। अब वो तीनों चारों, दो बहनें थी दो भैया थे, वो डर रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब वो माछलिया घाट के आगे है कि पहले है? क्यों भाई? कहा माछलिया घाट में तो एक तीर आएगा और काम तमाम। हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जिस समाज के बीच जा रहे हैं वो समाज दरअसल आपसे भी ज्यादा सुसंस्कृत है। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए इस बात का, लेकिन मैं श्रोता दीर्घा को भी कह रहा हूँ और अपने आप को शामिल करते हुए कह रहा हूँ, हम सबसे ज्यादा सुसंस्कृत और संवेदनशील समाज वो है। खैर, ये चार भाई बहन गए रात्रि में, जिस परिवार में उनका रात्रि विश्राम था उस समय, यही समय चल रहा था दिसंबर जनवरी का कड़ाके की ठंड का। इन चारों बच्चों को सुलाने के लिए दरअसल जगह कम थी उनके पास झोपड़ी में, लेकिन जैसे तैसे जगह बनाई, सामान आसपास करके उस झोपड़ी में उनको सुलाया, गोदड़ियां थी वो बिछा दी, ओढ़ने की एक एक गोदड़ी उनको दे दी। केवल दो गोदड़ी बची थी, चार बच्चे और दो बड़े उस परिवार के थे। दो गोदड़ी लेकर के माता पिता ने दो दो बच्चों को अपने दोनों तरफ सुलाया और एक एक गोदड़ी ओढ़ ली। हमारी जो दो बहनें थी उनको थोड़ी ठंड अधिक लग रही थी, लेकिन क्योंकि कुनमुना करके वो गोदड़ियां ओढ़ करके मन मार करके सो गए थे। उन दोनों बहनों से मैं प्रत्यक्ष मिला हूं, उन्होंने रोते रोते मुझे बताया, आंख से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बच्चे नंग धड़ंग बिल्कुल खुले सोए हुए हैं, उनकी जो एक एक गोदड़ी थी वो रात में पता नहीं कब हम दोनों बेटियों पर उन्होंने डाल दी। ये जनजातीय समाज है, इसकी संवेदनशीलता का आकलन करें। ये कहानियां और उपन्यास है दरअसल साहित्य जगत के, इस वास्तविकता को सामने लाने की आवश्यकता है। तो अब मैं चाहूंगा कि इस विषय में दो बातें मैं भी कहना चाहूंगा कि लोक कला और साहित्य के बारे में आपने जैसा बताया कि बहुत आवश्यक है कि हम आदिवासी परंपराओं को आगे लेकर के आए, और जैसे मेरी वाइफ वो यहाँ बैठी है, वो अभी हम लोगों ने सोचा कि वो पेंट करती हैं, तो वहां की परंपराओं को कैसे पेंट किया जा सके। तो अभी वहां पर कपास का सीजन है और कपास की किस तरह से बोवनी होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी एक पेंटिंग बनाई। फिर वहां पर साल में एक बार मन्नत मांगते हैं और यदि मन्नत पूरी हो जाए तो एक मचान पर चढ़ करके रस्सी से लटक के उल्टा घूमते हैं, तो वो भी एक बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है, तो उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाई। और ऐसे वहां पर जो पिथौरा पेंटिंग है बहुत फेमस है, एक वहां की महिलाएं भूरी भाई करके आप जानते भी होंगे, उनको पद्मश्री भी मिला है और उनकी पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, राष्ट्रपति भवन तक में गई है। तो इसलिए जो हमारा आदिवासी समाज है बहुत ही समृद्ध है, और मैं आप सबसे चाहूंगा कि एक ट्राइबल टूरिज्म के तौर पर ही यदि आप आना चाहें तो झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र को जरूर विजिट करें, हमें बताएं, हम आपके लिए जितनी व्यवस्था हो सकेगी करेंगे। और आने वाले समय में एक भगोरिया नाम का पर्व वहां पर आने वाला है जो कि वो भी बहुत प्रसिद्ध है, उसमें तो विदेश से भी लोग आते हैं वहां पर देखने के लिए कि हमारा आदिवासी समाज कैसा रहता है। तो आप सब भी निश्चित वहां आए, उनको भी संबल मिलेगा और हमारा ज्ञान भी समृद्ध होगा। और दूसरी चीज, जैसा आपने डायरी लेखन का बताया, तो डायरी लेखन मैंने भी शुरू किया है और उसकी इंस्पिरेशन आप ही हैं। जब मैं पहली बार आपसे मिला था और आपने बताया था कि डायरी लेखन की विधा छूट रही है, पीछे हो रही है, तो मैं सोचा कि निश्चित हम भी लिखना शुरू करते हैं। छपाने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक अपने पास वो पूरा बना रहे उस नजरिए से उसको लिखना शुरू किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बातचीत को आग्रह मान करके और स्वीकारा, और मैं यहाँ जितने श्रोता दीर्घा में साहित्य अनुरागी बैठे हैं उनको भी मैं ये विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो इन दिनों हम सब लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि उपन्यास तो फिर भी थोड़े कम लिखे जा रहे हैं, लेकिन कहानी कविता ये अत्यधिक मात्रा में लिखे जा रहे हैं। और मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि साहित्य पुरुष, जैसे हम राष्ट्र पुरुष की कल्पना करते हैं, देश को एक महामानव के रूप में देखते हैं, तो अगर साहित्य पुरुष कहें तो उस साहित्य पुरुष को हाथी पांव का रोग हो गया, एक बीमारी होती जिसमें एक पैर बहुत मोटा हो जाता है। तो ये कहानी कविता लघु कथा, इनसे थोड़ा बाहर निकले, तो रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, डायरी लेखन, ये सारी की सारी विधाएं भी साहित्य की विधाएं हैं। हमारी युवा पीढ़ी भी इन विधाओं से परिचित हो और उनमें लेखन करें, ये आग्रह मैं जरूर करना चाहता हूँ।
एक इसमें मुझे लगता है कि ये चर्चा जरूर होना चाहिए कि इन दिनों हम सब देख रहे हैं कि कभी कभी प्रशासनिक अधिकारी भी लिखते तो हैं, लेकिन उस लेखन को अत्यधिक प्रचार प्रसार केवल इसलिए प्राप्त हो जाता है कि मैं अगर किसी समूह को बिलोंग करता हूं और अगर उस समूह की चर्चा करता हूं तो लोगों के लिए सामान्य बात है। इन्हें मैं कभी ध्यान नहीं देता या मुझे याद भी नहीं आता कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन यहाँ नागर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अभिनव जी भी बैठे हैं और सब दिनेश जी और हर जी सब बैठे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ब्राह्मण ब्राह्मण पर लिखता तो उतनी चर्चा नहीं होती। नियाज खान जी प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने ब्राह्मण द ग्रेट लिखा, लगातार उनके व्याख्यान होते, हम सब देखते हैं कि ब्राह्मणों के पक्ष में या ब्राह्मणों को प्रो ब्राह्मण लेखन इस प्रकार का उनका बहुत रहा। तो क्या इस प्रकार का लेखन, यानी मैं उस पुस्तक या उन व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन साहित्य की चर्चा कर रहा हूं कि जैसे इन दिनों हम देखते हैं किन्नर विमर्श का एक दौर चल निकला, फिर गे पर लिखने लगे, समलैंगिकता पर लिखने लगे, ये समाज का हिस्सा रहे हम सब जानते हैं ये भी, और सबकी संवेदना सबके साथ है, लेकिन प्रचाराभिमुख लेखन आप इसको ठीक मानते हैं क्या कि प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी इसलिए कुछ लिखना चाहिए, लोग इसको ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे या ज्यादा मात्रा में चर्चा होगी, ज्यादा मात्रा में सम्मान होगा, ज्यादा मात्रा में कार्यक्रमों में बुलाए जाएंगे, इसलिए ये लिखना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या? लेखक को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि हो यही रहा है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा साहित्य की फील्ड में जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है और मैं बाकी बहुत ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आज का जमाना ऐसा ही है कि कम करके जल्दी प्रसिद्धि मिल जाए, चाहे वो आप रील्स देख लें या फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग पोस्ट शेयर करते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो वो सब कारण यही है कि जल्दी से जल्दी हम सबके सामने आ जाएं। और अवसाद का और डिप्रेशन का भी एक यही कारण बनता है जो कि युवाओं में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो दूसरों को देखते हैं कि यार वो तो घूमने जा रहा है, उसने गोवा में फोटो डाल दी, उसने दुबई से फोटो डाल दी, उसको ये अवार्ड मिल गया, उसके 5,000 व्यूज हो गए, मेरे तो 100 ही व्यूज रह गए, इतने ही लाइक रह गए, तो उसके कारण से व्यक्ति परेशान भी बहुत हो रहा है, दिखता अच्छा है, वो मेकअप अच्छा कर रहा है, इन सबसे हम प्रभावित हो रहे हैं और ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इन सबसे प्रभावित हुए बिना यदि हम कोई काम करते हैं और उसको धैर्यपूर्वक करते हैं तो लंबे समय में फिर वो हमें रिजल्ट देता है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपना काम करें और जब तक कि वो पूरा पक्का ना हो जाए तब तक उसको सामने लेकर के ना आए, अधपका या कच्चा माल यदि सामने आता है तो संभावना हो सकती है कि उसको जल्दी प्रसिद्धि मिल जाए। जैसे कि अभी एक मैं जो नई किताब लिख रहा हूँ उसका एक किरदार ऐसा ही है कि वो व्यक्ति कविताएं लिखता था लेकिन उसकी कविताएं कोई नहीं पढ़ता था, फिर वो थानेदार बन गया और जब थानेदार बना तो सबको उसकी कविताएं सुननी पड़ी, फिर पूरे थाने के लोग आकर के कहते थे साहब क्या कविता लिखते हो आप। तो कोई और कारण भी हो सकता है जिसके कारण से आपकी तारीफ हो रही हो, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, लंबे समय तक तो आपका जो काम है और कंटेंट है वही चलेगा। आपने वास्तव में जैसे डायरी लेखन के बारे में भी आपने बताया था, मुझे याद आया कि अपने एक हरिहर शर्मा जी हैं और रहे तो वो TI रहे, IPS अधिकारी नहीं है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की डायरी करके एक अच्छा उनकी पुस्तक आई थी अभी बीच में, उसमें उनके जीवन काल के सारे इस प्रकार के अनुभव, कई बार इन अनुभवों में से जो प्रशासनिक अधिकारी और विशेष करके पुलिस सेवा वाले रहते हैं उनके अनुभव में से मुझे लगता है कि मनुष्य को सीखने के लिए मिलता है कि आप छोटे छोटे लालच, छोटी छोटी अपेक्षाएं, छोटी छोटी ऐशणाएं लेकर के जब जीवन में चलते हैं तो कैसे आप अनायास ही किसी गलत पथ पर चलने लगते हैं, आपराधिक क्षेत्र के आप हिस्से हो जाते हैं, कई बार नशे का शिकार हो जाते हैं, कई बार नशा ले जाने वाले पोर्टल बन जाते हैं, इस तरह की कुछ कुछ अच्छी चीजें उसमें निकल करके आई थी। आपके अभी के इस वक्तव्य में मुझे दो शब्द मिले, एक तो घूमने वाली बात और दूसरा पुरस्कार वाली बात। सामान्यतया युवाओं को ये ज्यादा रहता है कि कहीं भी गए तो बस, पहले तो कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल कहते हैं घूमने निकल और फेसबुक पे डाल। तो ये सब परिवर्तन तो आया है, रील बनना ये सब हो भी तो कोई समस्या नहीं, करना चाहिए, अपनी अपनी पीढ़ी के अपने अपने साधन होते हैं। लेकिन मेरे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं जितेंद्र जी सोनी, IAS अधिकारी हैं राजस्थान के और अभी भी राजभवन में ही हैं, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी हैं राज्यपाल जी के। पेरिस में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में साथ साथ गए थे,
जितेंद्र जी ने बहुत कम अवस्था से लिखना शुरू किया, राजेश व्यास जी भी राजस्थान के अभी जो विशेष कर्तव्य अधिकारी है राज्यपाल जी के साथ, वो भी बहुत अच्छे कला समीक्षक है। तो जितेंद्र जी सोनी को बहुत कम उम्र में उनकी पुस्तक थी रणखार, रणखार पर, चूंकि रणखार पुस्तक राजस्थान के परिवेश पर केंद्रित है, उस पर उनको केंद्र की साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सामान्यतया आप जिस प्रकार के दायित्व में रहते हैं उस दायित्व में श्रेय और प्रिय तो पर्याप्त मात्रा में मिलता ही है, तो क्या कभी ऐसा लगता है, क्या व्यक्तिगत रूप से आपने अनुभव किया क्या कि आप कुछ लिख लिया है तो आपकी भी अवस्था, चूंकि अभी आप एकदम तरुण है, तो लगता है कि केंद्र की अकादमी के लिए या मध्य प्रदेश की अकादमी के सम्मान के हिस्से हमको होना चाहिए? आम युवाओं को लगता है ये तो एक बात है, लेकिन आपके स्तर के व्यक्ति भी इस बात को अनुभव करते हैं क्या कि मैंने अगर थोड़ा अच्छा लेखन कर लिया है तो उसको कहीं से अच्छा प्रतिसाद मिले, अकादमिक प्रतिसाद मिले, ऐसा इस विषय में आप क्या सोचते हैं? ये मुझे लगता है कि ये मन तो हमेशा व्यक्ति का रहता ही है, जब तक कि वो एकदम वीतरागी ना हो गया हो, सब दुनियादारी से हट ना गया हो। लेकिन यदि उसके पीछे आपका कंसाइंस है और विवेक काम कर रहा है और आप समझ रहे हैं कि वहां पर जो अवार्ड मिलेंगे वो जेन्युइन तरीके से ज्यूरी के द्वारा चयनित होकर के ही मिलेंगे, और दूसरा कि हम सिर्फ उसी के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो वो बहुत कम हो जाता है। रहता तो है मन में कि मिले तो अच्छी बात है, प्रशंसा और प्रसिद्धि किसे प्रिय नहीं होती है, मिले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये नहीं रहता कि उसके लिए बहुत सारी तिकड़में बिठाई जाए, काम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से हमको मिल ही जाए, उसके लिए फिर बहुत प्रयास नहीं रहते हैं। और यदि नहीं मिलता है तो उससे स्विच ऑफ होकर के आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर रहते हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं वहां भी बहुत तरीके के काम होते हैं, और यदि वैसा विवेक डेवलप हो जाए तो साहित्य के क्षेत्र में भी आप अपना काम करते जाओ, जैसा आपने बताया नेकी कर दरिया में डाल, कहीं ना कहीं उसका फल अवश्य मिलेगा, या तो लोग उसे पसंद करेंगे या फिर ज्यूरी उसे पसंद करेगी या दोनों पसंद करेंगे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। और चूंकि अभी आपने जैसा पेरिस के बारे में बताया, तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि साहित्यिक दुनिया से और साहित्यिक लोगों से आप मिले हैं, उनका आपका बहुत ज्यादा अनुभव रहा है, मैं तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों से मिला नहीं हूं, तो मध्य भारत को छोड़ दिया जाए तो अन्य जगहों पर हिंदी के साहित्य की उतनी चर्चा और हिंदी के साहित्य को उतने अच्छे नजरिए से देखा जाता है या नहीं देखा जाता, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। अगम जी, वास्तव में हिंदी और हिंदी साहित्य इनको लेकर के अब संपूर्ण विश्व में सम्मान का नहीं श्रद्धा का भाव है, ये मैंने निजी तौर पर अनुभव किया। मैं चूंकि पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में गया था, तब बड़े बड़े नाम थे भारत से, यानी मेरे जैसे बच्चे के लिए तो ये कल्पना से परे था, मैंने जीवन में कभी पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाया था कि मुझे लगता था मैं कभी विदेश जाऊंगा ही नहीं, और आनंद फानंद में गृह मंत्रालय से आदेश आया और फिर उनकी सहयोग तुरंत बन गया, बमुश्किल 3 दिन में दिल्ली मुझे बुलाया गया और बनवा लिया। लेकिन मुझे ये आश्चर्य लग रहा था कि आयुर्वेद पर बात करने के लिए आचार्य बालकृष्ण जी उसमें उस टीम में थे, रामदेव जी के जो सहयोगी हैं पतंजलि वाले, महिला लेखन पर स्त्री विमर्श पर चर्चा करने के लिए सुधा मूर्ति जी हैं, नारायण मूर्ति जी की पत्नी, नारायण मूर्ति फाउंडेशन जो देखती है, और ऐसे बड़े नाम विक्रम संपत थे हमारे साथ जो सावरकर पर 3 ग्रंथ उनके बेस्ट सेलर रहे। तो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब मैं गया तो मुझे इस बात का थोड़ा सा डर तो लग रहा था, ठेठ मालवा का आदमी आपने तो आप बोलने की कोशिश करें तो बीच बीच में मालवी के शब्द निकल आते हैं, और अंग्रेजी से दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं रही, पहले भी नहीं रही और आज भी नहीं है। मुझे लग रहा था पेरिस में जाऊंगा तो 2 संकट, एक तो वो अंग्रेजी से वो उतनी ही घृणा करते हैं जितनी मैं करता हूं, ये समानता थी, और अपने को फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी। तो गृह मंत्रालय से मैंने आग्रह किया था कि भाई अगर आप मुझे फ्रेंच अनुवादक पूरे समय के लिए दिलवा देंगे तो ही मैं अपनी बात ठीक से कह पाऊंगा वहां पे, अन्यथा मेरे जाने का कोई अर्थ नहीं है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो। लेकिन वहां जाने के बाद ध्यान में आया कि एक बहन वहां पर पूरे समय, यानी फ्लाइट से उतरने के बाद से मुझे फ्लाइट में बैठाने आत रही, दूतावास की एक बहन, और उसकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी, और फ्रेंच तो बहुत अच्छी थी, और मूलतः रशिया की रहने वाली थी। तो ये इस वातावरण में जब हमने अपनी बात रखी, वहां के लोगों को ये बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि बाल साहित्य भारत में इतना समृद्ध है, हिंदी का साहित्य, उनको जब हमने बताया कि पंचतंत्र है, हितोपदेश है, हमारे यहाँ पर कथा सरित सागर है, बेताल 25 है, सिंहासन 32 है, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। उन्होंने अभी तक अरेबियन नाइट्स के बारे में तो सुन रखा था, लेकिन इन सब लोगों के लिए वो नई बात थी।
दूसरी बात, एक और जो आश्चर्यजनक बात थी हिंदी को लेकर के, कई बार हम लोगों को ऐसा लगता होगा कि हिंदी को लेकर वहां के लोग शायद सम्मान का भाव नहीं रखते होंगे, तो एक सत्र में हमारे एक पत्रकार मित्र ने एक लंबा प्रश्न अंग्रेजी में किया, तो वहां के इतिहासविद मिस्टर डगलस, उन्होंने कहा कि अगर तुम यही प्रश्न संस्कृत में करते तो मैं आधे घंटे तक धारा प्रवाह संस्कृत में इसका जवाब देता, अगर तुम हिंदी में ये प्रश्न मुझसे करते तो मैं एक घंटे तक लगातार हिंदी में इस प्रश्न का जवाब दे सकता था, अगर तुम मुझसे कन्नड़ में भी ये प्रश्न करते तो मैं कम से कम 20 मिनट कन्नड़ में बोल करके इसका जवाब दे देता, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने उस भाषा में प्रश्न किया जिस भाषा को मैं पैर के अंगूठे से भी नहीं छूना पसंद करता। और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर चूंकि कुछ कन्नड़ भाषी भी है तो मैं कन्नड़ में, संस्कृत में और हिंदी में तीनों भाषाओं में इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, मिस्टर डगलस अपने पूरे जीवन काल में, बाद में मैंने जिज्ञासा से पूछा, अपने पूरे जीवन काल में कभी भारत नहीं आए, एक बार भी भारत नहीं आए, लेकिन वो वहां रह करके भारतीय विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी रुचि है। तो कहने का तात्पर्य, नई पीढ़ी के लोगों को इस बात की गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि हमारी जो भाषा है उस भाषा को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, आप केरल चले जाएं, मैं पिछले दिनों केरल गया था वहां भी वैसा ही सम्मान, कर्नाटक के एक कार्यक्रम में गया वहां ऐसा ही सम्मान, पंजाब की अकादमी ने मुझे अभी सम्मानित किया था वो सम्मान लेने गया वहां भी वैसा ही सम्मान। अब भाषाओं के बारे में जिस तरह की धारणा हम लोगों की थी वो धारणा समाप्त हुई है, हिंदी को लेकर के अब न केवल राष्ट्रीय परिदृश्य में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वीकार्यता का भाव जागृत हुआ है, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है क्योंकि हम सब लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं। तो मैं अब एक, आपने चूंकि बातचीत की थी सम्मान पुरस्कार की, निश्चित तौर पर युवाओं को, बड़ों को ये मानना चाहिए कि अगर हमारा लेखन अच्छा है तो हम दौड़ में जरूर शामिल हों, लेकिन एक लंबे समय से हम सब लोग देखते आ रहे थे इन्हें, मैं इसको अपना सौभाग्य भी मानता हूं और कई बार थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कुछ कुछ बिंदुओं को वहां जाकर देखने के बाद, मैं जिस साहित्य अकादमी के डायरेक्टर के पद पर इस समय बैठा हूं मैं पहला व्यक्ति हूं जो अशासकीय हूं, इससे पहले 14 IAS अधिकारी उसके डायरेक्टर रहे, और इतने वर्षों की सूचियां जब मैं सम्मान पुरस्कार की देखता हूं, उन कृतियों को निकाल निकाल करके देखता हूं तो मुझे बड़ा कोफ्त होती है कि इन लोगों को सम्मान दिया प्रशासनिक अधिकारी होते हुए यदि, और ये सब इस कारण से हो रहा था कि मध्य प्रदेश के रहने वाले एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, ना कोई वैचारिक मतभेद जाहिर कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ साहित्यकार और प्रशासनिक अधिकारी, उनका आधे दशक तक कब्जा रहा साहित्य अकादमी पर। आप भी जब, मुझे लगता है कि क्योंकि राजभवन में आपने अनुभव किया होगा कि कई बार मुझसे भी लोग मांगते हैं कि आप इसकी अनुशंसा कर दें, आपके पास भी इस तरह के प्रकरण क्योंकि वाया आपके ही राज्यपाल जी तक जाते थे, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इस प्रकार के पक्षपात की संभावना रहती है क्या साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में? कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति का कद कम ऊंचा है अपने साहित्य और कला के क्षेत्र में, लेकिन उसकी अप्रोच ठीक ठाक जगह है तो वो अनुशंसा आसानी से प्राप्त कर लेता है। ऐसा नाम लेकर के नहीं कहना है, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर आपको लगता है क्या कि इस प्रकार का भी उपक्रम कभी होता है क्या? इस प्रकार के उपक्रम तो होते ही है, मतलब ये सब जगह ही है, न सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में, हम हर जगह ही देख सकते हैं। जैसे यदि हम आम आदमी है तो हमको लगता है कि भाई हमारा ही चालान होता है, लेकिन यदि हमारा रिश्तेदार यदि थानेदार भी बन जाए तो सबसे पहले हम चालान कटाने की जगह उसी को फोन लगाते हैं कि भाई जरा बता दो कि हम आपके फलाना फलाना है। तो जिसको जुगाड़ या सोर्स कहा जाता है उसको कौन व्यक्ति पसंद नहीं करता? जब तक हमारी नहीं है तब तक हमको लगता है कि यार उसने कर लिया गलत है, लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख के रखें और सोचें कि यदि हमारी वो जुगाड़ होती तो क्या हम उसका उपयोग करते या नहीं करते, तो तब हमको पता चलेगा कि मानव व्यक्ति का हृदय और मन किस प्रकार से काम करता है। मतलब इंदौर के परिदृश्य में मुझे याद आता है कि यहाँ पर स्कूल में एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल है, तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार कोई पहचान का है क्या, उससे बुलवा देते हैं, उससे करवा देते हैं, तो जिसकी कोई पहचान का नहीं होगा वो कैसे एडमिशन लेगा फिर? तो हम किधर खड़े हैं हम उस नजरिए से सोचते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों की पहचान होती है, चाहे वो राजभवन हो, चाहे आपके स्तर से हो या अन्य स्तर से हो, वो चाहेगा कि मेरा काम भले ही हल्के स्तर का हो लेकिन उसको जितनी जल्दी प्रसिद्धि मिल जाए उतना अच्छा है। तो हर व्यक्ति ऐसा चाहता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होना तो वास्तविकता तो यही है, आइडियल सिचुएशन देखी जाए तो होना यही चाहिए कि जो व्यक्ति वाकई में उसके लायक है उसी को सम्मान मिलना चाहिए।
और निश्चित ही आपके माध्यम से और ज्यूरी के माध्यम से अभी अकादमी वैसा ही कर रही है और सभी जगह पर वैसा होना चाहिए। ह्यूमन टच जहां आ जाता है, मनुष्य का टच जहां आ जाता है, वहां पर पॉल्यूटेड होने की संभावना थोड़ी सी तो बन ही जाती है। और हम भी और आप भी इसको सोच करके देखें कि यदि हम कहीं पर हों और हमारे पहचान के व्यक्ति आए कि भाई ये काम कर दो, तो संभावना है कि हम उसको शायद पहले करा दें, जल्दी करा दें। छोटी सी लाइन लगाने में ही हम देख लें, मॉल के अंदर यदि एंट्री लेना है और गार्ड हमारे पहचान का है तो हमको लगता है पहले ही हम अंदर घुस जाते हैं, और पहले अंदर घुस करके हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो जो VIP वाला जो कल्चर, इस पे एक मैंने व्यंग भी लिखा है, उसमें मैंने ये लिखा कि हमें कुछ अलग चाहिए। यदि शादी में पूड़ी बनी है तो हमको रोटी चाहिए, यदि रोटी बनी है तो हमको बाटी चाहिए, मतलब हमको कुछ अलग होना चाहिए। यदि सब ट्रेन से जा रहे हैं तो हम एरोप्लेन से जाएंगे, आने वाले समय में यदि सब एरोप्लेन से जाने लग गए तो हम चाहेंगे कि हम बैलगाड़ी से चले जाएं, लेकिन अलग होना चाहिए। तो अलग होने वाला जो हमारा अंदर में भाव है कि हम VIP होना, अब VIP इतने हो गए कि VVIP का कल्चर आ गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि VVIP बहुत सारे हो जाएं तो VVVIP का भी शायद कल्चर आ जाए। तो इस ये सारे कल्चर में हमारा पी कहीं ना छूट जाए, मतलब कि हम अल्टीमेटली व्यक्ति हैं, इंसान हैं, पर्सन हैं, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं भी जैसा मैंने बताया कि तिकड़म के माध्यम से किसी चीज को यदि आप प्राप्त करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी ही रुकेगी, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने अभी बातचीत में भाभी जी के संदर्भ में बताया कि उनकी भी कलात्मक अभिरुचियां हैं, साहित्य में भी रुचि है और कला में भी रुचि, और बहुत अच्छी बात है कि झाबुआ जैसे वनांचल में रह करके वो उन कलाओं और साहित्य को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वयं भी काम कर रही हैं। और सामान्यतया मैंने कुछ साहित्य जितना अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों का और विशेष करके पुलिस सेवा वाले अधिकारियों की कुछ डायरियां और ये सब पढ़े, जैसे राजेश पांडे जी की पुस्तक का ही मैंने उल्लेख किया, अभी अंबिकापुर गया, वो बेचलर है, तो मालूम पड़ा कि मैं हंसी मजाक में रात को भोजन पर जब हम बैठे उनके घर पे तो मैंने कहा भाई मुझे तो बता दो कम से कम कि बेचलर क्यों हो, अब तो ओवर एज हो चुके, अब कोई दूसरी बार सोचेगा भी नहीं कि आपका विवाह कर दें, अब तो खूब अवस्था हो गई है, मेरे बराबर के 69 का बर्थ है उनका। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो थोड़ा सा एक प्रेम प्रसंग था, लेकिन वो प्रेम प्रसंग एकदम उसकी प्रेम प्रसंग की भ्रूण हत्या इसलिए हो गई कि मेरे ही जो दिनचर्या थी उस दिनचर्या को देख करके ही वो घबरा गई। तो भाभी जी तो नहीं घबराई होगी मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि वो तो साथ रह रही है गृहस्थी में, लेकिन ऐसा कभी लगता है क्या कि एक साहित्यकार जैसा संवेदनशील व्यक्ति, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जैसा निष्ठुर प्राणी उसको बनना, और फिर गृहस्थी में उसको एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करना, इन सबके बीच में समन्वय बैठाने में कभी समस्या तो नहीं आती? निजी प्रश्न थोड़ा क्षमा चाहता हूं। नहीं, ऐसी अभी क्योंकि सफलतापूर्वक चल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि समस्या तो नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बात जरूर है कि सामने वाला भी उतना ही अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि पुलिस की नौकरी में ये जरूर होता है कि जब सब न्यू ईयर अभी मनाएंगे, हम लोग ड्यूटी पे होंगे, अभी सब दिवाली मना रहे थे, उसी समय चुनाव का भी समय था तो हम लोग ड्यूटी पर थे, या कोई और भी त्योहार देख लें, कोई भी त्योहार होता है तो पुलिस विभाग का व्यक्ति ड्यूटी पर होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अपने बच्चे के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली और पार्टी का केक कटने ही वाला है, और उतने में आपके पास फोन आ जाएगा कि वहां पर घटना हो गई, आपको जाना है, तो आप ये नहीं कह सकते यार केक काट के आऊंगा तुम पहले, उसको बाद में देखेंगे। तो ऐसे में यदि सामने वाला व्यक्ति भी अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को समझता है कि पुलिस की और डॉक्टर की जो जॉब है, मेडिकल की जो जॉब है, वो आपातकालीन जॉब है, कभी भी फोन आ सकता है, उसमें संडे और त्योहार नहीं देखे जाते हैं, तो निभाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से यदि समन्वय बना है तो इतनी दिक्कत आती नहीं है। और ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी बहुत उच्च पद का निर्वहन कर रहे हैं, भोपाल आपका बहुत जाना होता है, वहां रहना होता है, और आप रहने वाले इंदौर के हैं, तो आप कैसे परिवार के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर सार्वजनिक जीवन जीने में समस्याएं तो होती ही है, सार्वजनिक जीवन कई कारणों से हो सकता है, मैं कभी अधिकारी नहीं रहा लेकिन मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा तो अभ्यास बहुत था, आज जितने प्रवास करता हूँ इससे शायद 4 गुना पहले भी करता था, और घर से बाहर रहना, लगातार लोगों का घर पर आते जाते रहना, यानी मेरे, आप ऐसा समझिए कि सुबह उठने से रात को सोने के बीच में अगर मैं केवल घर पर भी रहूं तो मिलने जुलने वालों की संख्या 50-75 तो वैसे भी रहा करती थी घर पर भी, और मैं बाहर जाता था कार्यक्रमों में जाना आना,
तो हालांकि परिवार के लोगों ने एडजस्ट किया है, मेरे तो उसमें कोई बड़प्पन होने का प्रश्न ही नहीं है। एक बात जरूर, मैं आप जब कह रहे थे कि स्वाभाविक रूप से हम सब लोग वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसे मेरी आत्ममुग्धता न माने या स्व प्रशंसा न माने तो बहुत विनम्रता से आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अभी साहित्य अकादमी का निदेशक हूं मध्य प्रदेश में, और मुझे मनोनीत करके और विधिवत चयनित होकर के वोट डाल करके मैं जनरल काउंसिल मेंबर भी बनाऊं केंद्र सरकार की साहित्य अकादमी का। वहां पर बाल साहित्य के में लगभग प्रतिवर्ष मेरी एक या दो पुस्तकें आ जाती है, अभी 20-22 पुस्तकें आई है। पिछले 3 वर्ष से लगातार मेरी एक पुस्तक वहां पर, बड़ी पारदर्शिता है जूरी में, और वो अंतिम 11 की एक सूची जारी करते हैं, 10 या 11 की, फिर अंतिम 5 की सूची जारी करते हैं, अंतिम 3 की सूची जारी करते हैं कि अब यहां तक सिलेक्शन हो गया, और फिर अंत में एक पुरस्कार उस कृति को देते हैं कि भाई इस कृति को ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उसको केंद्र की साहित्य अकादमी का सम्मान मिलता है। वहां पर व्यक्ति स्वयं नहीं देता, नहीं तो मैं तो कभी नहीं भेजता, मैंने जीवन में आज तक कहीं प्रविष्टि नहीं भेजी। लेकिन एक बार कमल किशोर जी गोयनका ने, एक बार शकुंतला कालरा दीदी ने, एक बार हमारे दिवीक रमेश जी ने ऐसा प्रस्तावित कर दिया, और 3 वर्ष लगातार मेरी पुस्तक 11 में भी जाती है, 5 में भी जाती है, 3 में भी जाती है। बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं केंद्र सरकार की साहित्य अकादमी की जनरल काउंसिल का मेंबर हूं, और अंतिम 3 में जाकर के मेरी किताब पिछले 3 साल से रिजेक्ट हो रही है। इस बात का मुझे गर्व है, और ये गर्व इसलिए है कि मैंने कभी भी अपने परिचय का उपयोग नहीं किया, लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं कभी बात नहीं करता इस विषय में कि किसी पुस्तक को सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। साहित्यकार के नाते हम 2 लोग आज मंच पर बैठे हैं, आप सब भी उसी योग्य हैं, आप भी मंच पर आते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप लिखते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति उन सम्मानों के योग्य है, लेकिन हमारा लेखन उस सम्मान के लिए नहीं है, हमारा लेखन समाज के लिए है। जब हमारे सामने देश और समाज होता है तब लेखन वास्तव में सार्थक होता है, इस बात को हम अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारा समय समापन की ओर है, 12:15 पर हमको इस सत्र को समाप्त करना था। अभी आप में से यदि कोई कुछ पूछे, हाँ माइक गौरव भाई आप ले जाएं। तो जी थोड़ा सा प्रश्न करते समय ये जरूर इंगित करिए कि हम दोनों में से किससे आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो उत्तर देने में सुविधा रहेगी। मैं किशोर यादव सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी रहा हूँ। क्योंकि आपका ये कहना है कि आपका मतलब आपसे मैं संबोधन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, कि क्योंकि जो साहित्य है वो आम जनता के लिए, एक तो अपनी आत्ममुक्तता के लिए होता है, दूसरा श्रेष्ठ जनों के लिए होता है जिसकी लेखनी जो है अति उच्च हिंदी की होती है, तीसरा वो साहित्य जो आम आदमी के लिए चाहिए, आम आदमी की समस्याओं पे हो, आम आदमी की समस्याओं के समाधान के लिए हो, उस तरह के साहित्य की ज्यादातर कमी क्यों है। हम आज इंदौर के परिवेश में ही बात करें तो हमारे यहाँ पर जो है यातायात की समस्या है, हमारे यहाँ पर्यावरण की समस्या है, नागरिकों की अपनी जो है अधिकारों के साथ दायित्व बोध की समस्या है, तो इन चीजों के ऊपर एक सामान्य जन के लिए जो साहित्य होना चाहिए उसकी कमी, और उसका अखबारों में या दूसरे माध्यमों में उसका स्थान क्यों नहीं है। नहीं सर आपसे जी, हालांकि उसमें यातायात वाली बात आई तो मुझे लगा कि शायद अगम जी ज्यादा अच्छा उत्तर दे पाते। पहली चीज तो ये कि इन दिनों मैं दोनों चीजों की तरफ आता हूँ। पहली बात जो आपने कही कि अभिजात्य वर्ग के लिए लेखन अलग होता है, सामान्य जन के लिए अलग होता है, अलग जैसा तो कुछ नहीं, एक ही रचनाकार बहुत अच्छा उच्च कोटि का साहित्य भी लिखता है और बहुत सामान्य प्रकार का भी। अमृतलाल जी नागर के आप उपन्यास निबंध या बाकी आलेख पढ़ें, मैं लेखक क्यों बना ये अगर लेख पढ़ेंगे तो वो साहित्यकारों के समूह के लिए है। नाचे बहुत गोपाल की बात करें, खंजन नयन की बात करें, तो ध्यान में आता है कि वहां पर एकदम मछुआ जाति की बस्ती के लोगों के बीच में रह करके उन्होंने वो उपन्यास लिखा, और अत्यंत अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जिसको हम कहते हैं उस तरह के लोगों के लिए उनके बीच रह करके और उनकी भाषा में लिखा। ऐसे कई हैं, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास भी उसी श्रेणी में आते हैं, और इंदौर में भी मुझे ऐसा लगता है कि लेखन करने वाले लोग अभी आधे लोग ऐसे हैं जो सामान्य जन के लिए ही लिख रहे हैं, उनकी भाषा का सौष्ठव ऐसा, बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी का उपयोग कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय, तो उसमें मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि जैसे यातायात समस्या,
अब इस विषय पर आप मुझे ही कह दें तो मैं बच्चों के लिए एक लेख लिख सकता हूँ, एक कहानी भी लिख सकता हूँ, कविता में लिखता नहीं, विद्यार्थी नहीं हूँ कविता का इसलिए, लेकिन लिख सकते हैं। होता क्या है, दरअसल साहित्यकार को स्वयं को ऐसा लगता है कि ये विषय जो है ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है। पाठक हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचें कि परीक्षा की तैयारी करने पर एक उपन्यास मिल जाए या कविता मिल जाए, कहानी मिल जाए। आप साहित्य को तब पढ़ना चाहते हैं जब आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, है ना। हम दुनिया भर के तनाव से मुक्त होने के लिए साहित्य का उपयोग करते हैं, तो विषय अगर ऐसे उपयोग में लाने लगे हम जिनसे तनाव और बढ़ता है, मान लो मैं इंदौर के जाम पर एक निबंध लिख दूं तो आप वैसे उस जाम से परेशान है, सड़कें वैसे ही भरी पड़ी है, टेटे टेटे परेशान है। अब उसी विषय पर लेख पढ़ना कितने लोग पसंद करेंगे तनाव मुक्त होने के लिए। तो साहित्यकार भी यही सोचता है, बेस्ट सेलर अगर उसको देना है, अगर बेस्ट रीडर देना है, ज्यादा लोग पढ़ें, तो विषय ऐसे होना चाहिए जो रुचिकर हो, थोड़ा सा उसको तनाव मुक्त करें। लेकिन उसके बाद भी साहित्यकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होता। वामा संस्था का नाम आपने सुना होगा, वामा के अध्यक्ष हिंदु पाराशर दीदी, उनके संपादन में अभी एक पुस्तक बनी है। उस पुस्तक में वामा संस्था की सभी बहनें, क्योंकि वो बहनों की संस्था है, बहनें सब साहित्यकार हैं, उन सब की कविताओं का संग्रह है और वो सारी की सारी कविताएं ट्रैफिक के नियमों पर केंद्रित है। मैं उसके लोकार्पण के लिए गया था, दो आईपीएस अधिकारी हमारे यहाँ के जिले के जो व्यवस्थाएं देखते हैं ट्रैफिक की, वो भी उसमें थे, और प्रदेश की व्यवस्थाएं देखते थे वो अधिकारी भी थे, मैं भी था। तो कुल मिलाकर के साहित्यकार इन दिनों दहेज प्रथा पर, बाकी अन्य सामाजिक कुरीतियों पर, विद्रूपताओं पर, सब पर लिखना है। लेकिन नई पीढ़ी से मैं ये जरूर इसके साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि हम अपने समाज की ऐसी विकृतियों और विद्रूपताओं पर लेखन करने की कोशिश अब बंद कर दें जो कालबाह्य हो चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है। जैसे मैं सती प्रथा का उदाहरण देता हूँ, आज के युग में सती प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी जांग उघाड़ करके अपने समाज को नीची गर्दन करके दुनिया के सामने खड़ा करना क्यों चाहते हैं? इन चीजों से बचना चाहिए। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा दहेज के लिए जलाई जाने वाली बहनों की संख्या अब लगभग समाप्त होती जा रही। हमारी बहनें खुद ही झांसी की रानी देवी अहिल्याबाई हो गई है। मजाल जो किसी परिवार का कोई व्यक्ति चार नोट के टुकड़ों के लिए आग लगाने की कोशिश करे, अब तो बहनें, अभी कल तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है आत्मरक्षा का, यहीं पर इंदौर में दिव्या जी के नेतृत्व में, दिव्या गुप्ता जी के नेतृत्व में। तो ज्वाला संस्था ने एक बड़ा उपक्रम किया, हमारी बहनें अब इतनी सशक्त हैं कि अगर दुर्भाग्य से परिवार का कोई परिजन माचिस की काड़ी लेकर के आएगा तो घासलेट की पवी उठाकर उसके सिर पर डाल देगी और उसी को काड़ी बता करके थाने चली जाएगी। तो ये सब होना नहीं चाहिए समाज में, लेकिन अब इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं। एक एडिशनल बात मैंने जोड़ी, और कोई प्रश्न? श्रोता आदरणीय विकास जी दवे से प्रश्न है, मैं बता दूं वो शायद नाम न बताएं, डॉक्टर सुब्रतो गुहा जी अंग्रेजी साहित्य के बहुत अच्छे अध्येता हैं, प्राध्यापक हैं और बहुत अच्छे चिंतक विचारक हैं। जी आदरणीय विकास जी से एक प्रश्न है कि साहित्य के लिए कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात समाज में जो भी घटित हो रहा है वो निष्पक्ष रूप से उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। पर स्वातंत्र्योत्तर काल में हम सबका अनुभव है कि अलग अलग चश्मे से साहित्यकारों ने साहित्य सृजन किया है। जैसे उदाहरण के लिए वामपंथी लेकर समाज के प्रति उनकी जो दृष्टि है वही पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सार्थक साहित्य का सृजन तो तभी संभव है जब हम सभी चश्मे उतार कर निष्पक्ष रूप से समाज का मूल्यांकन करें और प्रस्तुतिकरण करें। इस दिशा में बढ़ने के लिए क्या क्या सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं आपके विचार से? धन्यवाद। मुझे लगता है कि दूसरा प्रश्न भी मुझे इंगित करके आ गया है, तो आधा उत्तर मैं दे देता हूँ, आधा उत्तर अगम जी देंगे ताकि हम दोनों बराबरी से इस विषय पर बोल सकें। गुहा जी, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि आपने जिस विचार की बात की, हालांकि वो विचार तो अब पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुका है, कालबाह्य हो चुका है, मृत हो चुका है, छिपकली के शरीर से अलग हुई पूछ की तरह वो विचार अब छटपटा रहा है साहित्य जगत में, मैं उसका इतना सा अस्तित्व मानता हूँ। फिर भी उन लोगों ने जो कुछ लिखा, उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज में जो जो विकृतियां हो रही है उन विकृतियों को ही उजागर करना साहित्य का काम है, विद्रोह करना, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना, उसी में से नक्सलवाद पैदा कर दिया, उसी में से आतंकवाद पैदा कर दिया, पटवारी से लेकर कलेक्टर तक कोई हमारे गांव में नहीं घुसेगा, ऐसा ग्रामीण जन को सिखाने वाला साहित्य रचने वाले लोग भी पैदा हो गए। ये भारत में बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन मेरा बहुत साहित्यकार के नाते एक बहुत स्पष्ट मत है
की विकृतियां और विद्रूपताएं दरअसल आधी कटोरी तेल होती है। 100 लीटर का साफ पानी का कड़ाव है, पीने योग्य पानी का, आप आधी कटोरी तेल उस पर डाल दें, ये जो विकृतियां विद्रूपताएं समाज की है वो केवल इतनी थी, लेकिन ये फैलता है पानी के ऊपर, दिखाई देता है ऐसा कि 100 लीटर तेल ही भरा है। तो ये विकृतियों की ज्यादा चर्चा करने में दिक्कत ये होगी कि ये जो भारतीय समाज की जो शुचिता मर्यादा है, जो 100 लीटर साफ पानी है वो अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। हर समाज का बुजुर्ग बलात्कारी नहीं है, बच्चियों के साथ कदाचरण नहीं कर रहा है, इसलिए एक तरह का विचार करके और विकृतियों पर नहीं लिखना। दूसरा, साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो साहित्य को इस दर्पण के सामने कैसे खड़ा होना ये खुद तय करना है। अगर साहित्य नंगा होकर इस दर्पण के सामने खड़ा होगा, समाज नंगा होकर इस दर्पण के सामने खड़ा होगा, तो साहित्य भी वैसा ही पैदा होगा। अगर आप अच्छे सुशोभित कपड़े पहनकर के दर्पण के सामने जाएंगे तो दर्पण में आपकी छवि भी ऐसी ही अच्छी दिखाई देगी। इसलिए साहित्यकार इस तर्क को अपनी ढाल न बनाए और केवल विद्रूपताओं विकृतियों को लेकर के लेखन करना बंद करें। भारतीय समाज बहुत अच्छा है, इसकी परिवार परंपरा बहुत अच्छी है, यहाँ पर राखी धागे की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने वाले लोग होते हैं। हर किसी को आप कदाचरण वाला व्यक्ति या लोलुप दृष्टि वाला व्यक्ति मत मानिए, ये मेरा अपना मत है इस आपके संदर्भ में। जिन लोगों ने लिखा उनको भी भूल जाइए, और जैसा कि वो ईसा मसीह ने कहा था कि हे ईश्वर, ये खुद ही नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं साहित्य में, जो करना था कर चुके। अब भारत के गौरवशाली चेहरे को विश्व के सामने लाने के लिए साहित्य रचने की आवश्यकता है। पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के इसी काम में लगा है। मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त कर रहा हूँ समय सीमा के साथ। गुहा जी ने जो बात कही थी उस पर आदरणीय अगम जी, आपकी बात में मुझे बस एक ही लाइन में उत्तर देना है कि आपने कहा कि सब लोगों के चश्मे हटा करके निष्पक्ष रूप से लेखन होना चाहिए, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने बहुत शांति से इस सत्र को सुना, और ऐसा वातावरण मिलने पर सामान्यतया औपचारिक बातें कम होती है, अनौपचारिक चर्चाएं ही ज्यादा होती है, और मुझे लग रहा था कि शायद ये सत्र औपचारिक न हो जाए, लेकिन अगम जी को इसका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण से ये सत्र बहुत ही अनौपचारिक और पारिवारिक भाव से संपन्न हुआ, और इसमें पूरा श्रेय श्रोता दीर्घा को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।